बात करते हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 3 जिलों के दौरे पर है। उन्होंने यहां चूरू के तारानगर, हनुमानगढ़ के नौहर और श्रीगंगानगर के सादुल शहर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी, कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार, यही फर्क है। नरेंद्र मोदी की गारंटी अडानी जी की सरकार बनेगी और चलेगी, हमारी गारंटी किसान, मजदूर, पिछड़े, दलितों और आदिवासियों की सरकार चलेगी। भाइयों और बहनों, दो तरीके की सरकार हो सकती है, एक जो किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ खड़ी होती है, और दूसरी जो अरबपतियों के साथ खड़ी होती है। आप जानते हो बीजेपी अरबपतियों के साथ खड़ी होती है, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, युवाओं के साथ, मजदूरों के साथ खड़ी होती है। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते भाइयों और बहनों कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और यहां पे भीलवाड़ा मॉडल, वहां पे थाली बज रही थी, राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, किसानों के, मजदूरों की सरकार चलाते हैं। अब चुनाव में हमने आपको 7 गारंटी दी है, इनको आप अच्छी तरह सुनिए। सबसे पहले महिलाओं को 10,000 रुपए साल के, राजस्थान में हर परिवार में एक महिला को 10,000 रुपए साल के। गरीब लोगों के लिए 500 रुपए का सिलेंडर, 15,00,000 रुपए इंश्योरेंस, सब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं उनके लिए फ्री लैपटॉप, सरकारी एम्प्लॉइज के लिए लीगल गारंटी ओपीएस का, हम उसको कानून बना देंगे।